नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज है महालया, और कहते हैं कि महालया के दिन ही दुर्गा पूजा प्रारंभ होते हैं। महालया के साथ साथ श्राद्ध खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या, पितृ पक्ष का अंतिम दिन है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आती हैं। तो आज हम आपको महालया से जुड़ी मान्यताएं, शुभ समय और महालया पर आप क्या करें, इसकी संपूर्ण सटीक जानकारी आपको दूंगा। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के इस महामंत्र का। आइए हम आपको बताते हैं कि आज का महामंत्र क्या है। आज का महामंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार है। हे देवी, आपकी जय हो। अगर आप जीवन में भय एवं बाधाओं से परेशान हैं, तो इस मंत्र का पाठ जरूर करें। यदि आपके जीवन में रोग, शत्रु, संकट, कोर्ट कचहरी, किसी प्रकार की परेशानियों से अगर आप उलझन में हैं, तो इस महादेवी के मंत्र का प्रयोग करें। आप पढ़ें, इसको नियमित जप करें, आप देखेंगे कि आपकी परेशानियां दूर होंगी। दूसरी बात का ध्यान रखना है कि जब आप इस मंत्र को पढ़ते हैं तो लाल रंग का वस्त्र जरूर पहने, चंदन का तिलक लगावें, आपके लिए फायदेमंद है। आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 25 सितंबर 2022, दिन है रविवार, अमावस्या तिथि है जो 3:26 तक रहेगा, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो 5:56 तक रहेगा, कृष्ण पक्ष है, शुभ योग है, सूर्योदय हो चुका है सुबह 6:10 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:14 पर। आज चंद्रमा रहेगा सिंह राशि में, शुभ समय है प्रातः काली 11:48 से लेकर दोपहर 12:36 तक रहेगा। राहु काल है सुबह 4:44 से लेकर के 6:14 तक रहेगा, पश्चिम दिशा शूल है। का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि राहु काल में कोई भी कार्य निषिद्ध होता है। यदि राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो विघ्न बाधाएं आती हैं, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राहु काल में खास तौर से कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचें। शुभ समय में किसी भी समय आप कार्य करते हैं, शुभ समय में तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, आपके कार्य बहुत अच्छे से होता है, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा नहीं आता, आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। दिशाशूल में यात्रा करने से परहेज करें, दिशाशूल में यात्रा करना कष्टकारी होता है इसलिए परहेज करना चाहिए, तो दिशाशूल में यात्रा निषेध होता है। अब हम बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, आपके रिश्ते कैसे होंगे, माता पिता का कैसा सुख मिलेगा, जीवन में क्या करेंगे, आज आपको सरकारी नौकरी मिलती है या पदोन्नत होता है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। आपके लिए कौन सा अंक शुभ रहेगा, कौन सा रंग शुभ रहेगा, और आपको क्या सावधानी बरतनी है, क्या उपाय करने, सारी बात हम आपको बताएंगे। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जो मेष राशि के जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना है कि आपके रिश्ते मधुर रहेंगे और अपने रिश्ते को मधुर बनाए रखना आपके लिए हितकर रहेगा। आपके अपने रिश्तों में सुधार होगा, संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी हो सकती है, बच्चों के हेल्थ पर ध्यान दें, छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, उनके साथ कंसर्न रखें, उनको इनकरेज करें, उनको बूस्टअप करें। आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है, माँ के साथ रिश्तों को बनावें और माँ का जो संबंध होता है, जो माँ के प्रति आदर भाव रखें, उनका सुबह प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लेकर के कोई भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी, आपकी विघ्न बाधाएं दूर होगी, इसलिए माँ का सम्मान करें, उनसे रिश्ते अच्छे रखें, उनकी छोटी छोटी बातों को लेके दुखी न हो, उनका आशीर्वाद मान करके उनके साथ जुड़े रहिए। सावधानी क्या बरतनी है, दूसरों की बातों में नहीं आना है। उपाय क्या करना है, दीन दुखियों की मदद करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग है सफेद, लक मीटर है 7, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे वृष राशि के। जो वृष राशि के जातक हैं, आज आपके जीवन में खुशियों की बारिश होगी, आज आपका दिन बड़ा महत्वपूर्ण होगा, खुशियां मिलेगी, आपकी बचत में इजाफा होगा, आपकी किस्मत चमकेगी, धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, नया वाहन खरीद सकते हैं, समस्याओं का समाधान होगा,
पराक्रम से धन लाभ होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, दूसरों की सलाह को नजरअंदाज न करें। उपाय क्या करना, जरूरतमंद को खाना खिलावे। शुभ अंक है 9, शुभ रंग आसमानी, लक मीटर है 8। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आज आपको अपने कार्य में ध्यान लगाना है और कार्य में केंद्रित होकर कार्य करें। आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी, आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। दूसरों की बातों में ना आवें, भाई बहनों का सुख मिलेगा। गुस्से पर नियंत्रण रखें, रोग और शत्रु परास्त होंगे, खड़यंत्रकारी विफल रहेंगे। और अगर वाहन गाड़ी इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपकी योजनाएं सफल होते हुए दिख रहे हैं, सरकारी नौकरी मिल सकता है। सावधानी क्या बरतनी है, नकारात्मक सोच पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा, लक मीटर है 8। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो जो कर्क राशि के जातक हैं, आज आपका मन बेवजह तनाव में रहेगा, टेंशन में आ सकता है, बात विवाद नहीं करना है, पत्नी का सुख मिलेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त होगी, कार्य में विघ्न बाधाएं सामने आ सकती हैं और आज आपकी परेशानियां दूर होंगी, माता पिता का सुख मिलेगा। द्रुत गति की गाड़ी चलाने से परहेज करें और अगर आप किसी प्रकार के नए तरह की योजना बना रहे हैं धन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए या नए कार्य करने के लिए, तो आपकी योजनाएं सफल होंगी। आपकी जो भी महत्वाकांक्षा इमेजिनेशन है वह कार्य रूप में प्रेरित होते हुए दिख रहा है। सावधानी क्या बरतनी है, उतावलेपन में कोई कार्य न करें। उपाय क्या करना, भगवान शिव की आराधना करें, पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय। आज शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। जो सिंह राशि के जातक हैं, आज आपका दिन बहुत अच्छा है, समय आपके लिए महत्वपूर्ण है, आलस्य का परित्याग करके अपने कार्य क्षेत्र में लग जाइए, आपकी जो परेशानियां हैं, संकट है, दूर होगी, किसी प्रकार के विवादों में न पड़े, अपने को कंट्रोवर्सी से दूर रखें, पिता का सम्मान करें, अपनी भाषा पर संयम रखें, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आत्मबल में वृद्धि होते हुए दिख रही है, आय के संसाधन बढ़ेंगे, मानसिक संतुष्टि मिलेगी। सावधानी क्या बरतनी है, गलत लोगों से दूरी बनावे। उपाय क्या करना है, भगवान शिव की आराधना करें। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, आज महालया है, तो आज गरीब लोगों को भोजन करावे, मंदिर में दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 5, शुभ रंग है नारंगी, लक मीटर है 8। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। तो जो कन्या राशि के जातक हैं, आज आपकी सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, भूमि भवन जमीन खरीद सकते हैं, रोग और शत्रु से सावधान रहें, धन की वृद्धि होगी, अपने बौद्धिक क्षमता के बल पर बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, आपका आत्मबल बढ़ेगा। आज आपको दुश्मन हानि पहुंचाने की फिराक में है, लेकिन कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता क्योंकि किस्मत आपका साथ दे रहा है, आज अच्छे परिणाम प्राप्त होते हुए दिख रहा है, नए प्रकार के कार्य हो सकते हैं। सावधानी क्या बरतनी है, आज आपको सावधानी बरतने की, अपनी योजनाएं गुप्त रखनी है। उपाय क्या करना है, जरूरतमंदों को आज वस्त्र दान करें। आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, अमावस्या है, आज मंदिर में अन्न 5 प्रकार का अन्न दान करना आपके लिए हितकर रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, लक मीटर 7। हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तो जो तुला राशि के जातक हैं, आप बेवजह तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, मान सम्मान को लेकर चिंता रहती है, जो बेवजह होती है, तो अपने को थोड़ा सा केयरफुल रहें, पत्नी के सुख में वृद्धि होगी, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी का सुख मिलेगा, भूमि भवन खरीद सकते हैं, पिता का सुख मिलेगा, पिता से लाभ मिलते हुए दिख रहा है, माली हालत अच्छी होगी, तनाव समाप्त होंगे, घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, न्यायालय से लाभ होगा। सावधानी क्या बरतनी है, अपने रिश्तों को खोने से बचावें। उपाय क्या करना है, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करें और आज अमावस्या का, आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है, आज अमावस्या है, तो मंदिर में आज अपने भार के बराबर 3 प्रकार का या 5 प्रकार का अन्न दान करें, आपके लिए बेहतर रहेगा, या क्या करें कि किसी गरीब आदमी को भोजन कराने। शुभ अंक 2, शुभ रंग सफेद, लक मीटर 8। हरे कृष्ण। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, आज जब बेवजह तनाव में रहते हैं, गुस्सा आता है, अपने रिश्तों के प्रति सचेत नहीं रहते, पिता पुत्र के जो रिश्ते हैं उसमें सुधार होगा, कठोर परिश्रम करने की जरूरत है, माँ से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकता है, नए रोजी रोजगार मिलने की संभावना बन रही है, घर बनाने का प्रबल योग बन रहा है, आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, यात्रा तीर्थाटन देशाटन हो सकता है, गुस्से पर नियंत्रण रखें, जो बात आपको खराब लगती है उस तरह का व्यवहार दूसरों के साथ न करें, खान पान पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए हितकर रहेगा,
आज अमावस्या है, आज आप क्या करें कि किसी गरीब आदमी को भोजन करावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है सुर्ख लाल, लक मीटर है 8। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। तो जो धनु राशि के जातक हैं, आज आपको कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, समय का सदुपयोग करें, नौकरी आपको मिलने का प्रबल योग बन रहा है, समय आपके अनुकूल है, आज आपको अच्छे परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं, गुस्से पर नियंत्रण रखें, परिवार में शुभ कार्य होगा, आर्थिक स्थिति सशक्त होगी, दूर देश की यात्रा हो सकती है, वाहन चलाने से बचें। सावधानी क्या बरतनी है, मध्यम मार्ग अपनाना है। उपाय क्या करना है, पीला वस्त्र दान करें, केला बंदरों को खिलावें, और आज अमावस्या है तो आप क्या करें कि किसी भी गरीब आदमी को अपने घर भोजन करावें और मंदिर में चने की दाल जरूर दान करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग है पीला, लक्ष्मी तेरे साथ, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि की जो जातक है, आज आपको ध्यान रखना है कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, बेवजह तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, आलस्य का परित्याग करके अपने लक्ष्य के प्रति लग जाइए, बड़ी सफलता मिलती हुई दिख रही है। बेवजह विवादों में पड़े रहते थे, विवाद से बचें, किसी भी रियल एस्टेट भूमि भवन प्रॉपर्टी में पैसा निवेश करते तो आपके लिए लाभप्रद रहेगा, संतान से लाभ मिलेगा, यात्रा तीर्थाटन से लाभ होने की संभावना बन रही है। आज आपके नए दोस्त मिल सकते हैं, स्ट्रेंजर से लाभ मिल सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि किसी भी नए प्रकार के स्ट्रेंजर से कोई भी डील न करें। सावधानी क्या बरतनी है, दूसरों के बहकावे में ना आएं, बातों में ना अपने दिल और आत्मा की बात सुने। उपाय क्या करना, काला तिल दान करें, हनुमान जी की आराधना करें, आज अमावस्या है, मंदिर में गरीबों को भोजन कराएं। शुभ अंक 4, शुभ रंग है काला, लक्ष्मी करें 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। जो कुंभ राशि के जातक हैं, आपकी राशि पर शनि की 7.5 चल रही है, एकदम भाग्य पर निर्भर न रहें, कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, लोगों की मदद करें, शांति और समझदारी से काम लें, शासन सत्ता सरकार से लाभ मिल सकता है, पंगा एकदम न लें, आत्मबल में विश्वास होगा, नौकरी का योग बन रहा है, आपके लिए कठिन समय भी आ सकता है, तो थोड़ा सा अपने को सावधानी बरतने की जरूरत है, कठोर परिश्रम करें और कोई भी नए प्रकार की पूंजी निवेश करते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, बेवजह विवादों से बचें। उपाय क्या करना है, खीर का प्रसाद बनाकर बांटे, मंदिर में 5 प्रकार का अन्न दान करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग है गोल्डन कलर, लक्ष्मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। जो मीन राशि के जातक हैं, आपके राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, तो आज आपके समाज में अहम भूमिका होगी बड़े कार्य करने का। आज आपको ढेर सारे सुंदर अवसर मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अपने छवि को लेकर क्या परेशान रहते तो एकदम परेशान ना हो, आपकी इंटीग्रिटी शानदार रहेगी, पिता के निर्देशन में बड़ा कार्य करेंगे, यात्रा से लाभ मिलेगा, भाग्य में वृद्धि का योग बन रहा है, नौकरी में पदोन्नत होते हुए दिख रहे हैं। छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन न लें, आप बहुत सेंसिटिव हैं तो उदारता रखें, जिस स्वभाव जो स्वभाव आपका उदार है उदारता बरतें, तनाव में एकदम न रहें, परेशान न हो, एकांत में न रहें, संगीत का सहारा लें और मंत्रों का जप करें, गरीबों की मदद करें, माता पिता का सुख मिलेगा, पत्नी के सहयोग से आपके बहुत सारे कार्य होते हुए दिख रहा है, शिक्षा के क्षेत्र से धन लाभ मिलेगा। सावधानी क्या बरतनी है, कोई भी लंबी यात्रा न करें, अचानक यात्रा करने से बचें। उपाय क्या करना, पीला वस्त्र किसी सुहागन को दान करें, और आज अमावस्या है तो आप गाय को अपने हाथ से रोटी गुड़ खिलाना न भूलें। शुभ अंक 9, शुभ रंग है पीला, लक्ष्मीटर है 8, हरे कृष्ण। अब हम बात करेंगे गुरु के नुस्खे में कि आज है महालया, आश्विन मास में पितृपक्ष पूर्वजों को समर्पित 16 दिन की लंबी अवधि का आज अंतिम दिन है जो महालया के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन पंचांग के अनुसार अमावस्या होती है जो कि कृष्ण पक्ष के अंत का प्रतीक है। हिंदू धर्म के अनुसार हर साल इसी दिन देवी दुर्गा का धरती पर आगमन की शुरुआत होती है। महालया के दिन से ही दुर्गा पूजा प्रारंभ हो जाता है, महालया के साथ श्राद्ध कर्म खत्म हो जाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आती हैं और अगले 10 दिनों तक यहाँ रहती हैं। पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के अलावा यह दिन सत्य और साहस की शक्ति और बुराई पर अच्छाई की जीत को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि दुर्गा देवी को सभी सर्वोच्च देवताओं की शक्तियों द्वारा महिषासुर नामक एक राक्षस को मारने और पृथ्वी को बचाने के लिए मनाया जाता है। और आज के दिन अपने पूर्वजों को जो आपके घर में जो जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए आज पूजा पाठ का होता है, दान पुण्य किया जाता है, उनके भोजन कराया जाता है और
आपको एक बात और हम बता दें कि ज्ञात अज्ञात बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में किसी की डेथ हो गई है, उनको पता नहीं है। तो ज्ञात है अज्ञात है, आज सबके लिए जिनकी तिथि का पता नहीं है, आज अमावस्या के दिन उनके नाम पर आप गरीबों को भोजन करावें, 5 प्रकार का अन्न दान करें, खीर पूड़ी खिलावें, पशु पक्षी को खिलावें, जो भी आप करेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा। प्रश्न उठता है कि हम अगर किसी को खिलाते हैं तो उनके तक कैसे पहुंचता है, इसकी चिंता आप न करें। आपने देखा होगा जब हवन होता है, पूजा होता है, तो सूक्ष्म मॉलिक्यूल के रूप में ये अपना अंश हम ग्रहण करते हैं, तो ये ग्रहण कर लेते हैं, इसमें आप चिंता न करिए। आप जो करेंगे अपने पूर्वजों को मिलेगा, और आज के दिन ऐसा करने से आपके पूर्वज अति प्रसन्न होते हैं। यह जो 15 या 17 दिन का पक्ष होता है, ये खासतौर से पितृ पक्ष के नाम से जाना जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो आज आप जो भी दान पुण्य करेंगे आपके पूर्वज खुश होते हैं, और खुश होने के साथ साथ आपके घर में वंश वृद्धि का, दीर्घजीवी का, धन का, वैभव का, आयुष्मान होने का आपको आशीर्वाद देते हैं, और अगर ऐसा न करने से आपको पीड़ा देते हैं। तो आज के दिन का आप सदुपयोग करें। हरे कृष्ण। अब बारी है प्रश्नों का उत्तर देने का, तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं राशि भाटी नोएडा से। जी राशि, राम राम। जी गुरु, हेलो। जी राशि बताइए। राम राम जी। जी मुझे अपनी सिस्टर के लिए पूछना था कि उनकी शादी कब होगी। जी जी, तो आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी उनका डेट ऑफ बर्थ 30 अगस्त 1996। अच्छा, उनकी शादी कब होगी? एक्चुअली वो लव मैरिज करना चाहते हैं। जी देखिए राशि, अभी जो इनका समय चल रहा है बुध की महादशा में, सूर्य का अंतर चल रहा है जो 30 सितंबर को खत्म हो गया। अब बुध में चंद्रमा शुरू होगा 30 सितंबर के बाद, तो बुध में चंद्रमा जैसे आएगा तो ये नवंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 के बीच में लव कम अरेंज विवाह होगा। जो इनकी जान पहचान है उसी में शादी होगी, और अच्छी शादी रहेगी। अब हम बात करेंगे आज के जन्मदिन की। आज है 25 सितंबर 2022। आज जिन दर्शकों का जन्मदिन है उनके जन्मदिन बहुत शुभ हो, मंगलमय हो। आपके जन्मदिन की हार्दिक बधाई, ढेरों करना, अति भरोसा करना आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो एक स्पेस बना के रहना आपके लिए अच्छा रहेगा, कि स्पेस बनाए रखना ठीक रहेगा। उपाय क्या करें? आपको पूरे वर्ष पर्यंत महालक्ष्मी की पूजा करें, ओम नमो परमात्मने नमः इस मंत्र का प्रयोग करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम विष्णुवे नमः, या महालक्ष्मी का मंत्र का जप करें कि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी मम गृहे आगच्छ आगच्छ आगच्छ। कमलगट्टे के माल्य से इस मंत्र का पढ़ें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा, इससे आपकी माली हालत सुधरेगी। भाग्य गुरु में बस आज इतना ही, फिर हम आपसे कल इसी समय इसी वक्त मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत, नमस्कार।